नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में और मैं हूँ आपकी होस्ट पूर्णिमा सोनी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं देश विदेश में मशहूर डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ने पहले हमारे कई एपिसोड्स में हमारी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियों को अपनी रेकी द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा दूर किया है और हम सब उनके आभारी हैं उनकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वह है कंसेप्शन के बारे में। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि शादी के 5, 7, 7 साल, 10 साल के बाद तक महिलाएँ जो हैं वह गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो उसमें हमारी रेकी एक्यूप्रेशर जो है आपका वह किस तरह से मदद करता है? गर्भ धारण ना कर पाने के दो फैक्टर होते हैं, एक प्राइमरी कहा जाता है, एक सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी फैक्टर में शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सब सिस्टम मेल का फीमेल का सारी रिपोर्ट्स में नॉर्मल आता है, उसके बावजूद भी वो गर्भ धारण नहीं कर पाते। उसी तरह एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, या यूट्रस में फाइब्रॉयड हैं, या मेल में सीमेन कम बन रहे हैं, या उनकी मोर्टैलिटी कम है। इस तरह से कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें उस रीज़न को जानना चाहिए। इसमें कई बार देखा गया है कि मन के अंदर कईयों के डर बैठ जाते हैं। कई बार कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट या कोई टैरो रीडर या पामेस्ट बंदा किसी के पास जाता है, बेवजह ही वहाँ अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं कब होगा कैसे होगा। तो अगर उनके मन में बात बैठ जाती है, वो कहें कि अभी जी बहुत प्रॉब्लम आएगी, शनि है, ऐसा है वैसा है, कोई ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जिससे डिले होगा, तो ये बातें मन में बैठ जाती हैं, उसकी वजह से भी डिले होना शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर रेकी ऊर्जा द्वारा देखा जाएगा इलाज, तो उसमें बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये तीन चक्र रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन तीन चक्रा की ऊर्जा को अगर हम बैलेंस कर दें तो कंसेप्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो क्राउन चक्रा को ऐड करना चाहिए, ताकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसको कम मिली है, जो बाय बर्थ एनर्जी कम आई है, भले उसके कर्माज के करके ही हो, तो इस तरह से इन चार चक्रों को, क्राउन, थर्ड आई, सैक्रल और बेस, इन चार चक्रों को ऊर्जान्वित कर देने से कंसेप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और फीमेल इजिली कंसीव कर सकती है। इसमें ध्यान रखना है, हीलिंग मेल और फीमेल दोनों की ही होनी चाहिए। उसके पीछे कारण, अगर फीमेल में पैथोजेनिक आया है, कोई रिपोर्ट्स में आया है, तो सिर्फ एक जिने की हीलिंग से काम चल जाएगा। अगर दोनों की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हीलिंग हस्बैंड वाइफ दोनों की करनी चाहिए। और एक्यूप्रेशर में अगर आएंगे तो उसमें बड़े स्पेसिफिक बिंदु हैं। अगर तो कोई प्रॉब्लम है, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, हाइपोथायरॉयड है, या गोनैड से कोई सिक्रीशन कम हो रहा है किसी भी हार्मोन का, तो दे आर स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एवरी डिजीज़। और अगर नेचुरली मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो उसके भी स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिससे आप जग से आने से पहले का जो असेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कंसेप्शन में हेल्प मिलती है। ऐसा हमारे पास सैकड़ों मतलब कपल्स हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम थी और वो हील हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें पहले एपिसोड में बताया था कि आपने ये आपके द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ये एक्यूप्रेशर को लेकर के, तो हमारे दर्शक जो है वो सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं और घर बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं, तो क्या ये गर्भधारण करने में भी हमारी हेल्प करेगा घर बैठे हुए दर्शकों को? हाँ, देखिए, इसमें दोनों तरह से हमारा सिस्टम है। एक तो सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आप कंसेप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट आपको उसमें मिलेगा। दूसरा, अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं भी खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक किट्स हैं। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अगर उसके पीछे कोई फैक्टर है या नहीं है, वो पूरा आप डिटेल में बताइए, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्रिस्टल्स, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पॉइंट्स और हाथ के चार्ट आपको भेजे जाएंगे। वो वेरी इजी टू अप्लाई होंगे, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आप उसको घर पे जैसे ही अप्लाई करना शुरू करेंगे, ईश्वर की कृपा से आपको रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ईमेल आया है, ये सीमा है, लिखती हैं कि इनके फेलोपियन ट्यूब जो है वे ब्लॉक्ड है, तो क्या कोई स्पेसिफिक इलाज है इसके लिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है रेकी या एक्यूप्रेशर में? देखिए, जैसे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो उसमें रेकी में हम साइकिक सर्जरी करते हैं। साइकिक सर्जरी के द्वारा जो उस ट्यूब में ब्लॉकेज आई है उसे रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ का पाथ खोल दिया जाता है, जिससे कंसेप्शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसमें साथ ही साथ सैक्रल चक्रा को हीलिंग भी देनी होती है। उसमें हम आप अगर चाहेंगे तो आपको किट भी भेजी जा सकती है। एक्यूप्रेशर के स्पेसिफिक 5 बिंदु होते हैं, सिर्फ उन 5 बिंदुओं को साथ में अप्लाई करेंगे
जिस साइड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, राइट साइड की ब्लॉक है तो सिर्फ राइट हैंड पे अप्लाई करें, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट पे अप्लाई करें, दोनों साइड है तो दोनों हाथों में। इट इज़ वेरी सिंपल, उसे अप्लाई करते ही आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट उसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा ईमेल है वो एक रेचल है। रेचल लिखती हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं उनकी मोर्टैलिटी रेट जो है वह बहुत कम है और वो ये जानना चाहती हैं कि घर बैठे ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, तो किस तरह से आपकी ट्रीटमेंट जो है वह इनको हेल्प करेगी, और ये जो किट है क्या इसके लिए भी आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं? इसमें जैसे इन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड का मोर्टैलिटी रेट कम है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो इस तरह के व्यसनों को थोड़े टाइम त्यागना होगा, क्योंकि उन व्यसनों के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर वो एक्सेसिव ड्रिंक कर रहे हैं, एक्सेसिव स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, तो मोर्टैलिटी रेट इम्प्रूव नहीं हो पाएगा उतना। और उस चीज़ों को त्यागते हैं, या मतलब ड्रिंक है या जो अपना स्मोकिंग है, इसको कम से कम कर दें, उसके बाद हम जो किट भेजेंगे वो बहुत ईजी टू यूज़ है, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ उसमें मेंशन होगा, लिखा होगा, उसके साथ चार्ट होगा, उसको आप अप्लाई करेंगे। मोर्टैलिटी इंक्रीज होने में कम से कम 3 मंथ्स का समय लगता है, तो इसमें ऐसा ना हो कि आप इंपेशेंट हो जाएं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स उसको ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद आप मोर्टैलिटी टेस्ट कराएंगे तो वो इम्प्रूवड आएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि रेकी के द्वारा, एक्वाप्रेशर के द्वारा एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स को छोड़कर हम किस तरह से ये कंसेप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो भी दर्शक दोस्त हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, वे डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। इनके नंबर्स लगातार हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप इनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते तो इनसे किट मंगवा लीजिए और प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी लाभदायक जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूंगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार हरियाणा से हूं, मैंने सचदेवा जी से रेकी सीखी है, लोगों का इलाज ठीक ढंग से कर रहे हैं, इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। सबसे अनुरोध है रेकी को सीखें और अपना इलाज स्वयं करें, धन्यवाद। मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बारे में पता चलता है, मेरे को इस थेरेपी से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मुझे जब ये थेरेपी कराई जा रही थी, मुझे बाबा जी के बहुत अच्छे ही दर्शन हुए एज बीइंग टू अ सिख रिलीजन। जैसे जैसे मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज करती गई और इसके बारे में समझती गई, मेरे को इस चीज़ से काफ़ी ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला। हमने इनके साथ मिलकर एक एक्यूप्रेशर सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है, जिसमें सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, गठिया जैसी बीमारियां हैं, जिनके पॉइंट्स आप घर पे बैठे बैठे देखकर अपना इलाज उसके द्वारा कर सकते हैं और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सचदेवा जी से डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम्स सारी इसी लाइफ की हैं, तो उन्होंने मुझे लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बताया। उस समय मुझे अपने गुरु के माध्यम से उसका उत्तर मिला और वो उत्तर था कि तू मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में और मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया, फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया। उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है।